अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्की फूड की तरफ से मैं हूं शेफ उनैद और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मेडलिन केक। मेडलिन केक एक फ्रेंच रेसिपी है और बहुत पसंद की जाती है। शॉर्ट केक्स होते हैं ये और इसमें जो है मेल्टेड बटर यूज़ होता है इस रेसिपी में। तो ये रेसिपी आप अपने फोंडेंट केक्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इन मोल्ड्स के अंदर बनाऊँगा। तो इसके अंदर हम इनको बेक करेंगे। इस पर हम्प होता है, यानी कि ये ऊपर से थोड़े से उठे हुए होते हैं और इनकी डेकोरेशन के लिए आप चॉकलेट वगैरह मज़ीद दूसरी चीज़ें स्प्रिंकल यूज़ कर सकते हैं। इनको डायरेक्ट खाने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आप इसी रेसिपी को जो है आप अपने केक्स के लिए बना सकते हैं, स्पंज बना सकते हैं फोंडेंट केक के लिए। ये बहुत बेस्ट होती है, जैसे टी केक होता है ये रेसिपी बिल्कुल उसी तरह है तकरीबन। ये टी केक और स्पंज केक का फ्यूजन होता है, यानी कि दोनों का मिला जुला एक केक है ये। और हम इसको अब शुरू करते हैं। ये बेकिंग पाउडर को हम जो है फ्लावर में मिक्स कर देंगे, एग्स तोड़ देंगे हम, दो अंडे लिए हमने और ये हम जो है मशीन के बाउल में डाल देंगे। 100 ग्राम हमारे पास चीनी है, 120 ग्राम ही हमने मेल्टेड बटर लिया है और 120 ग्राम ही हमारे पास मैदा है और 5 ग्राम हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर लिया है। अब ये शुगर और एग्स को हम अच्छे से फ्लफ़ी करेंगे और उसके बाद में फिर हम जो है इसके अंदर बटर और फ्लार ऐड करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कितना बीट करना था हमें। देखें ये इतना ही बीट होगा, इससे ज़्यादा बीट ये होगा भी नहीं, ये रनी ही रहेगा क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो हम व्हिपिंग मेथड वाली जो रेसिपी यूज़ करते हैं जिसमें हम 25 ग्राम चीनी 25 ग्राम मैदा यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से चीनी इसमें ज़्यादा है। तो हम अब क्या करेंगे कि अब हम मैदा इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे स्लो स्पीड पे। साथ ही मेल्टेड बटर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। फ्यू ड्रॉप्स हम ये एसेंस डाल देंगे क्योंकि ये एसेंस जो है अच्छे तेज एसेंस होते हैं, तो आप लोग कम ही यूज़ किया करें। बहुत ज़्यादा अगर आप मिकदार में डाल देंगे तो फिर ये जो है फ्लेवर को थोड़ा बिटर कर देंगे। मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने जो मिक्सर बनाया है मेडलाइन केक के लिए, इस मिक्सचर के साथ जब आप केक बनाते हैं तो वो जेनवास केक कहलाते हैं। ये केक बनाए जाते हैं और इन पे जो है फ्रेश क्रीम का वर्क करते हैं, साथ ही फ्रेश फ्रूट भी यूज़ किए जाते हैं इनके साथ। नेकेड केक बनाए जाते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मज़ीद चीज़ें इसके बारे में। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप अपने जो है केक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे केक बनाना होता तो फिर मैं इसे डायरेक्ट बेक कर लेता, लेकिन मुझे मेडलाइन बनाने हैं और मेडलाइन के ऊपर जो है एक हम्प होता है, वो हम तभी आएगा जब आप इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा करेंगे। अगर मुझे अभी केक बनाना होता तो फिर ये मिक्सचर मैं डायरेक्ट पैन में पोर करता और बेक कर लेता 160-170 के टेम्परेचर पे। लेकिन मुझे मेडलाइन बनाने हैं और मेडलाइन पर हम्प होता है, तो वो हम्प बनाने के लिए हमें इस मिक्सचर को ठंडा करना ज़रूरी है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा करेंगे, इसके बाद जब हम पैन में डालकर इसे बेक करेंगे तो फिर इसके साथ हम्प बनेगा। ठीक है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। मेडलिन या जेनवास केक। अच्छा, अंडे 2 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मक्खन पिघला हुआ 120 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे। जी व्यूअर्स, हमारा मिक्सर ठंडा होकर आ गया है और हमने पैंस में जो है बटर लगा लिया है। वैसे तो ये नॉन स्टिक होते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसमें जो है थोड़ा बहुत बटर लगा लें ताकि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आए। और अब हम इसे स्पून की मदद से
अच्छा जी, हमने पैन में मिक्सचर डाल दिया है और अब हम इन्हें बेक करने के लिए रखेंगे। तकरीबन ये 15 मिनट में बेक हो जाएंगे। 190 के टेम्परेचर पे मैं इन्हें बेक कर रहा हूँ। अगर आपको केक बनाना हो तो केक को आप 180 या 170 के टेम्परेचर पे बेक कीजिएगा। इस पे हम टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए देते हैं कि हमें हम चाहिए होता है और हम आता ही ज़्यादा टेम्परेचर पर है। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। मैडलिन या जेनुअस केक। अज्जा, अंडे 2 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मक्खन पिघला हुआ 120 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, वनीला एसेंस 2-3 कतरे। जी व्यूअर्स, हमारे केक बेक होकर आ चुके हैं और अब ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या टेक्सचर आता है इनका। ये देखिए, अब ये एक शेल का जो डिज़ाइन था वो इस केक के ऊपर मौजूद है। अब हम इसकी जो है डेकोरेशन करेंगे कुछ वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के साथ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये हमने एक केक निकाला, जैसे इसकी शेप जो है यहाँ से थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। कभी ऐसा हो कि मिक्सचर अगर ज़्यादा हो जाए तो आप साइडों से कट करके शेप को ठीक कर सकते हैं। अब हम इनकी डेकोरेशन करेंगे। ये हमने मोल्ड के अंदर थोड़ी चॉकलेट डाल के ऊपर से मेडलाइन रख दिया था और ये इस तरह से चॉकलेट का शेल बनकर आ जाता है केक के ऊपर। वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों के साथ किया था। जी व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी हो गई है मुकम्मल। आपके सामने हमने तैयार भी किए हैं और साथ ही डेकोरेशन भी कर लिए, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम ज़रूर उन चीज़ों पर भी वीडियोस बनाएंगे और आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देंगे। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि नए लोग भी हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। आप बेक हाउस पर ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है www.bakehouse.pk पर जाके पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी आप ऑर्डर करके अपने घर पर ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैडलिन या जेनुअस केक। अच्छा, अंडे 2 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मक्खन पिघला हुआ 120 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, वनीला एसेंस 2-3 कतरे। तरकीब मैडलिन केक के लिए एक बाउल लेकर इसमें अंडे और चीनी को हार्ड बीट कर लें। इसके बाद इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और मक्खन शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसे ठंडा करके 190 डिग्री पर 7-8 मिनट के लिए बेक कर लें। जेनुअस केक के लिए एक बाउल लेकर इसमें अंडे और चीनी को हार्ड बीट कर लें। इसके बाद इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और मक्खन शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसे मोल्ड में डालकर 170 डिग्री पर 30-35 मिनट के लिए बेक कर लें।